मुझे कुछ 6 साल हो गए हैं स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हुए, और जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स डरे होते हैं ना, वो इंटरव्यू से पहले होते हैं, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं होता कि उन्होंने इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करना है, और स्पेशली इंटरव्यूअर्स जो हैं, प्रोफेसर्स जो हैं, या इंटरव्यू पैनल में जो लोग हैं, वो उनसे किस किस्म के क्वेश्चन करेंगे और उनको किस तरह से उन्होंने आंसर करना है। सो इस वीडियो में मैं आपके इन सब क्वेश्चन के आंसर दूंगी। इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो ग्रेजुएट हायर स्टडीज़ के इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं फॉर ग्रेजुएट पोजिशंस, और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे तैयारी करनी है इन क्वेश्चंस की, ताकि आप जो हैं किस तरह से इनको आंसर करें और अपने इंटरव्यू को स्क्रू अप ना करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन विद नासिर एंड फातिमा। सो मैंने अपने एकेडमिक करियर में काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए। जब मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करी थी तब भी मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे, पर मास्टर्स के लिए एप्लीकेशन में इंटरव्यूज़ की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। समटाइम्स यूनिवर्सिटीज़ आपको वैसे भी सिलेक्ट कर लेती हैं, लेकिन PhD के लिए तो इंटरव्यूज़ मस्ट हैं, प्रोफेसर्स आपसे इंटरव्यू करते हैं। सो PhD के लिए भी मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप के लिए भी मैंने 4-5 इंटरव्यूज़ दिए हैं। उसके अलावा मैंने उज्जैन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, उधर भी मैंने इंटरव्यू दिया था। मरमरा यूनिवर्सिटी में, जिसमें मैं अभी करंटली एज अ रिसर्चर काम कर रही हूँ एक यूरोपियन फंडेड प्रोजेक्ट में, उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया था। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि PhD या मास्टर्स के लिए आपको इंटरव्यू में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे किए जाएंगे। सबसे पहले तो इसमें यह है कि आपकी CV बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो CV जब आपने एप्लीकेशन फिल करते हुए वहाँ पर अपलोड की थी, वो उनके पास होगी। जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा वो उस CV को खोलेगा और उस CV से ही आपसे मोस्टली क्वेश्चंस होंगे। सो आपने उस CV में जो जो लिखा है एग्जैक्टली, आपको वो सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उस सब के बारे में आपको रेडी होना चाहिए कि आपने इनके बारे में आंसर्स करने हैं। अगर उसमें आपने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को मेंशन किया है, तो प्रोफेसर्स या इंटरव्यू पैनल में जो लोग भी होंगे वो आपसे उन्हीं प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस करेंगे कि आपने उनमें क्या काम किया है और आपने उनमें कैसे काम किया है। यहाँ पे मैं एक बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहती हूँ कि इंटरव्यूज़ में आप ये एक्सपेक्ट ना करेंगे लोग आपसे कोई बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस करेंगे, लाइक बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस नहीं करेंगे, डेफिनेशंस नहीं पूछेंगे, बल्कि वो आपका मोस्टली काम जानना चाहेंगे कि आपने क्या काम किया है। ये बात PhD पोजीशंस के लिए तो बहुत ही ट्रू है, लेकिन हो सकता है कि मास्टर्स में वो आपसे थोड़े बेसिक क्वेश्चंस भी करें ताकि उनको पता लगे कि आपने ये कोर्स कितनी डेप्थ में पढ़ा है, क्योंकि बैचलर्स में मोस्टली रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं की होती बच्चों ने। लेकिन अगर आपने मास्टर्स के बाद PhD में एडमिशन ले रहे हैं, तो PhD में आपने मास्टर्स में जो भी काम किया और उसके अलावा आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किया, उन्हीं के बारे में आपसे क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने रिसर्च जॉब्स किए हैं और उनमें जो आपने काम किया वो उसके बारे में आपसे पूछेंगे, आपने कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने ये कहाँ यूज़ किए हैं, इनसे क्या आपने रिजल्ट्स अचीव किए हैं, ताकि उनको पता लगे कि आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स, इन सॉफ्टवेयर्स कितनी डेप्थ में उनको यूज़ करना आता है। आपसे बहुत ही फ्रेंडली वे में वो लोग पूछ रहे होंगे, कोई वहाँ पर आपको जज नहीं कर रहा। अगर आपने CV में ऑनेस्ट तरीके से अपनी स्किल्स लिखी हैं, तो देर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। वो सिर्फ आपका रिसर्च बैकग्राउंड, आपके रिसर्च इंटरेस्ट ही जानना चाहते हैं। सो इंटरव्यू जो है वो 2 तरह का हो सकता है। इंटरव्यू में या तो आपको वो CV सामने रख के उसमें से क्वेश्चंस करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट करके आपने मास्टर्स कर लिया, तो वो आपको क्या कहें कि आप लेट सपोज 15 मिनट्स की एक प्रेजेंटेशन बना लें अपने प्रीवियस काम के लिए, ठीक है। फिर आप अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन एक बना लेंगे पावर पॉइंट पे, और वो प्रेजेंटेशन आप उनको एक्सप्लेन कर देंगे 15-20 मिनट्स में, और फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा वो आपसे उसी प्रेजेंटेशन में से क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी आपसे कोई बाहर की बात नहीं पूछेगा, बल्कि आपने जो काम किया है उसी के बारे में बात करेंगे। समटाइम्स कुछ प्रोफेसर्स ऐसे भी करते हैं कि बजाय इसके कि वो आपको कहें कि आप अपनी रिसर्च प्रेजेंट करें, वो आपको कोई अपनी लैब का रिसेंट पेपर भेज देंगे और आपको कहेंगे कि आप इस पेपर को पढ़ें और फिर समझें और फिर आप इस पेपर को प्रेजेंट करें, ठीक है। उस केस में आपने पेपर को कैसे पढ़ना है, समझना है और कैसे प्रेजेंट करना है, ये मैं आपको वीडियो के आगे डिटेल में जाके बताऊंगी। इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा मकसद ये होता है कि वो आपकी मोटिवेशन जाने कि PhD के लिए या इसमें काम करने के लिए आपकी क्या मोटिवेशन है। मतलब मास्टर्स तो चले हो ही जाता है, 2 साल की कमिटमेंट है, लेकिन PhD कोई छोटी चीज़ नहीं है। PhD एक बहुत ही मतलब बड़ी कमिटमेंट है, एक हैवी कमिटमेंट है, और जो भी प्रोफेसर आपको हायर करेगा, आपकी स्टडीज़ को फर्स्ट करें फंड कर रहा है, ठीक है, वो नहीं चाहता कि आप बीच में छोड़ के चले जाएँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस है उनके लिए। कोई एक स्टूडेंट जिसको फंड करें वो 2-2.5 साल बाद बीच में छोड़ के चला जाए, ये उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है,
ठीक है, तो वो आपके मोटिवेशन को जानना चाहते हैं कि आप कितने मोटिवेटेड हैं, अगर आप पीएचडी करें तो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा मकसद जो उनके लिए जानने का होता है कि आप पेपर्स पब्लिश करना चाहते हैं, आप एकेडेमिया में अपना करियर परसू करना चाहते हैं, आप पीएचडी क्यों कर रहे हैं या इस प्रोजेक्ट में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सो वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कितनी हाई मोटिवेशन है वो जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा आप इस किस्म के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपसे पूछें कि आप अपने ही कंट्री में ये इस टॉपिक में मास्टर्स या पीएचडी क्यों नहीं परसू करें। सो जैसे कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, पाकिस्तान जो है वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो इस क्वेश्चंस के, इस तरह के क्वेश्चन के जवाब में आप उनको बता सकते हैं कि हमारे कंट्री में इन टॉपिक्स पे इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रही या इतनी ज़्यादा रिसर्च फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप उनको इस तरह से उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप इसलिए बाहर जो है वो रिसर्च करना चाहते हैं। फिर इसके अलावा कुछ इनफॉर्मल क्वेश्चंस होंगे जिससे वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप उनके कल्चर में, उनकी लैब में आके एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं। सो वो बहुत इनफॉर्मल होंगे, वो आपसे पूछेंगे कोई ट्रैवल में आपको कोई मसला तो नहीं है, फ़र्ज़ करें अगर आप लड़की हैं या मैरिड हैं तो आपसे पूछेंगे कि आपके हस्बैंड को कोई मसला तो नहीं है, या आप कैसे आएंगी, कैसे काम करेंगी, आपको कोई ट्रैवल मसला नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं तो वो पूछ सकते हैं कि आप उनको क्या आपका फ्यूचर प्लान स्कूल में डालेंगे या किस तरह से, मतलब वो आपके थोड़े से आपके हालात जानने की कोशिश करेंगे कि फ़र्ज़ करें अगर आपको वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप वाकई वहाँ आके काम कर भी सकेंगे या नहीं। वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आपने अपने इंटरव्यू के डे के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। सो सबसे पहले तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, या तो आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके बारे में आपको पहले से इन्फॉर्म किया होगा कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है। सो मेक श्योर कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से तैयार हो, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, आपके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन के लिए बैकअप हो, कोई लैपटॉप या मोबाइल, जिस तरह भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके लिए भी आपके पास कोई बैकअप अवेलेबल हो। उसके अलावा आपने ये ज़रूर इस बात का ख्याल रखना है कि किस टाइम जो आपको उन्होंने टाइम दिया है वो किस टाइम पे आपके कंट्री के लिहाज से क्या टाइम है, ताकि आप टाइम पे मौजूद हों इंटरव्यू के लिए, तो आप अपने कंट्री के लिहाज से उस टाइम को कन्वर्ट कर लें ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि किस टाइम पे आपका इंटरव्यू है। फिर इसके अलावा आपने अपना जो काम किया है उसको, सारे काम को गो थ्रू कर लें, अपनी रिसर्च को गो थ्रू कर लें। और इसके अलावा आप जिस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट करें वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, सो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, उस कोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें। जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ एक आरएफ की पोजीशन के लिए, तो मैं एक जितने भी आरएफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको ज़रा गो थ्रू कर लूँगी, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड अप्लाई कर रही हूँ सो कम्युनिकेशन के कोर्स से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़रा गो थ्रू कर लूँगी, ताकि कोई मुझसे बहुत ही बेसिक कोई क्वेश्चन कर ले तो मुझे पता हो कि एग्जैक्टली ये कहाँ से क्वेश्चन है। और अगर मुझे नहीं भी आता तब भी मैं आपको बता दूं कि ये मैंने पढ़ी हुई है चीज़, लेकिन इस वक्त मुझे जहन में नहीं आ रही। इंटरव्यू के दौरान आपको घबराना नहीं है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप उनसे बहुत ही पोलाइटली तरीके से अपोलोजाइज करें कि अभी मुझे याद नहीं है, मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई है। अगर आपने पढ़ी हुई है तो आप उनको बता दें कि मैंने ये पढ़ी हुई है लेकिन मुझे याद नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ी तो भी आप उनको बता दें कि ये मैंने चीज़ जो है अपने इस चीज़ पे मैंने काम नहीं किया या ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी हुई। आप उनको बहुत क्लियर ये चीज़ कम्युनिकेट करते। सो लेट सपोज प्रोफेसर ने आपको अपनी लैब से अपना कोई रिसेंट पेपर भेज दिया है जिससे आपको प्रेजेंटेशन देनी है। सो इस केस में आपने उस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से थॉरली पढ़ना है, और पढ़ते हुए आपने ये बात ज़रूर जहन में रखनी है कि इस पेपर में जो के रिजल्ट्स हैं वो क्या आए हैं। उसके लिए आप फिगर्स को गौर से देखें, क्योंकि स्पेशली जो रिजल्ट्स हैं वो मोस्टली फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए होते हैं, उन फिगर्स को समझें। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप इस रिसर्च को किसी तरीके से परसू कर सकते हैं, उसके आगे जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में अगर उस पेपर में कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह से आगे काम को परसू कर सकते हैं, तो आप खुद को देखें कि आप क्या आप इस रिसर्च को परसू कर सकते हैं, या इस रिसर्च को किसी और तरीके से इस रिसर्च को लेके इसकी मेथोडोलॉजी को चेंज किया जा सकता है किसी तरीके से, किसी और तरीके से क्या बेहतर रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। सो ये इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में रखें, क्योंकि प्रोफेसर ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है और रिसर्च थिंकिंग कैसी है। जब आप एक पेपर को पढ़ रहे हैं तो आप जो है क्या उसको समझ पा रहे हैं और उसके बारे में सोच पा रहे हैं कि रिसर्च कैसे हुई है और इसको कैसे परसू किया जाता है। क्योंकि मोस्टली जब आप उनकी लैब में जाएंगे तो आपको उसी से मिलता जुलता, उसी रिसर्च से मिलता जुलता काम जो आगे परसू करना होगा। सो ये वो जस्ट एक जानना चाह रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है इस काम के बारे में। सो ये तो तरीका है कि आपने पीएचडी के इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। और
इसके अलावा एंड पे मेरी बस यही एडवाइस है कि इनफॉर्मल क्वेश्चंस के लिए अपने आप को बहुत ओपन रखें. आप किसी डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट कल्चर में जा रहे हैं, सो उनके रूल्स के लिए उनके कल्चर के लिए ख़ुद को बहुत ओपन शो करें कि यू आर फुली अवेयर कि आप किसी नए कंट्री में जा रहे हैं और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और आप उनके कंट्री के रूल्स उनकी यूनिवर्सिटी के रूल्स को ओब्लाइज करेंगे और आपको कोई मसला नहीं है किसी चीज़ से. सो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी. इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस शेयर किया कि किस तरह से आपने प्रोफेसर को ईमेल करनी है, जिस ईमेल को पढ़ के प्रोफेसर जो हैं वो आपको रिप्लाई करेंगे और ईमेल जो है जंक पे नहीं जाएगी. आप उस वीडियो को इधर देख सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो Please give it a big thumbs up and share it with your friends and subscribe to our channel and keep learning with Nasir and Fatma. I'll see you in the next video. Bye bye.